First students, so today we will learn science chapter 2. Name of the chapter is parts of a plant. तो आज हम जानेंगे plants का जो part होता है उसके बारे में जानेंगे. तो plants generally दो part में divided होता है. एक होता है मिट्टी के नीचे जो रहता है उसे क्या कहते हैं? Root कहते हैं. और मिट्टी के ऊपर का जो portion रहता है उसे हम क्या कहते हैं? पूरा जो portion रहता है इसे बोलते हैं shoot. तो एक होता है मिट्टी के नीचे जो रूट और दूसरा पार्ट होता है पूरा शूट. तो प्लांट का जो मेन सेंटर होता है वो ये जो है देख रहे हो आप लोग, इसे कहते हैं स्टेम. मेन सेंटर यही होता है स्टेम. स्टेम के बाद क्या आता है? स्टेम के बाद ब्रांच. आप लोग देखते हो कि पेड़ से जब डाली निकलता है तो इसके बाद क्या आता है? ब्रांच आता है. तो ब्रांच जब आता है, जब डाली निकलता है, उसके बाद देखते हो आप लोग छोटे छोटे लीफ निकलता है ना, पत्ता निकलता है, आप लोग देखते हो. देन इसके बाद क्या आता है? लीफ आता है. ब्रांच के बाद आता है लीफ. इसके बाद हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बर्ड. बर्ड क्या बोलते हैं? बर्ड किसे बोलते हैं? जो कली होता है, जो खिला हुआ नहीं होता. फूल खिलने से पहले आप लोग देखते हो कली होता है, उसे क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं. तो इसके बाद क्या आता है? बर्ड आता है. बर्ड से इसके बाद फ्लावर में कन्वर्ट होता है ना, देखते हो आप लोग. कली जब खिलता है इसके बाद तो पूरा फ्लावर में दिखाई देता है. तो बर्ड से इसके बाद क्या आता है? फ्लावर आता है. इसके बाद फ्लावर से हमें क्या मिलता है? फ्रूट मिलता है. तो आप लोगों को पता चला कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं. मिट्टी के नीचे जो रहता है वो कहते हैं, उसे कहते हैं रूट. पूरा जो ये स्ट्रक्चर रहता है इसे, मिट्टी के ऊपर जो पूरा ये स्ट्रक्चर रहता है इसे कहते हैं शूट. पूरा पौधा मिला के क्या बोलते हैं? शूट. और इसमें जो पार्ट्स होते हैं ये जो मेन पार्ट होता है स्टेम, इसे क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं. इसके बाद डाली निकलता है जिसे ब्रांच कहते हैं. इसके बाद डाली निकलने के बाद पत्ता आता है, देखते हो आप लोग छोटा छोटा पत्ता जो उगता है उसे क्या कहते हैं? लीफ. इसके बाद आता है बर्ड. बर्ड आने के बाद क्या आता है? बर्ड से फूल आता है. इसके बाद फूल के बाद हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स, मतलब फल मिलता है. तो आप लोगों को पता चला कि किस पार्ट को क्या बोलना है. तो आप लोग ये घर पे आप लोग के बुक में पिक्चर है वो फिर से एक बार देख के रिवाइज कर लेना कि कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है. सो थैंक यू फॉर टुडे.